अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चावल की कड़ी, जिसमें हम भिंडी डाल रहे हैं। तो हैदराबादी चावल की कड़ी बनाने के लिए हमें लगेगा, हमने 300 ग्राम मटन ले लिया है, जो फैट के साथ ही ले लिया है। तो इसे हमने अच्छे से एक प्याज डालकर धो दिया था। और 70 ग्राम हमें इमली लगेगी, जो हमने गर्म पानी में भिगने डाल दिया था। और 200 ग्राम हमने प्याज को पतले स्लाइस में कट कर लिया है। और भिंडी लगेगी हमें, तो हमने 250 ग्राम भिंडी ले ली है। तो इसे इस तरह से कट करके इसमें बीच में से कट लगा के इसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं वो चेक करके इसे अच्छे से एक भिंडी में से दो कट कर लेंगे। और 200 ग्राम हमने टमाटर लिया है, उसे भी बारीक कट कर देंगे। चावल लगेंगे हमें, हमने 2 टेबलस्पून चावल को भिगा दिया था आधा घंटे के लिए। चलिए अब हम इसे कुकर में बना रहे हैं। तो हमने एक कुकर ले लिया है, जिसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और जो प्याज कट करके रखी थी वो सबसे पहले इसमें ऐड कर लेंगे। और इसे बस हल्का सा गोल्डन होने तक ही हमें फ्राई करना है। इसे हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो देखिए अब यह हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है हल्की सी। तो अब इसमें हम मटन ऐड कर लेंगे, फिर अच्छे से मटन को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मटन को फ्राई करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर फिर मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून तेज़ वाली मिर्ची डालेंगे और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे। आप मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर 1 टेबलस्पून उतना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फिर इन सभी चीज़ों को मटन के साथ अच्छे से भून लेंगे, 2-3 मिनट तक भून लेंगे। फिर उसके बाद जो टमाटर रखे थे हमने कट करके, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। फिर टमाटर को भी मटन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 1 कप उतना पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर जब तक कि हमारा मटन अच्छे से गल ना जाए तब तक इसे गलने देंगे। जब तक हमारा मटन गल रहा है तब तक हम चावल को पीस के ला लेंगे। उसका पानी निकाल दिया था। देखिए अब हमने चावल में 1/2 कप पानी डालकर उसको पीस लिया है। तो हमने 6 से 7 सीटी होने तक मटन को अच्छे से गलने दिया था। तब ये हमारा मटन अच्छे से गल चुका है, तो इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम भिंडी को भून लेंगे। हमने बिल्कुल 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून नमक डाल के भिंडी को तल लेंगे। देखिए अब ये हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे, कुकर को खोल लेंगे। देखिए इस पे जो ऑयल आया था वो उसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे, इसे हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए अब हमारा मटन भी अच्छे से गल चुका है, तो अब इसको अच्छे से 3-4 मिनट तक भून लेंगे। और जो हमने चावल पीस के रखा था उसमें हम 1 टेबलस्पून उतना बेसन मिला लेंगे। ये 1 टीस्पून घर का गरम मसाला ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून उतना हमने धनिया पाउडर ले लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप उतना पानी डालकर इसे मिक्स करके एक साइड रख देंगे। फिर जो हमने इमली भिगा के रखी थी उसका भी हम अच्छे से, उसका इमली का भी पल्प अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए अभी हमने इमली का अच्छे से उसका जूस निकाल लिया है। चावल में हमने जो जीरा और गरम मसाला और धनिया पाउडर ऐड किया था, जो घोल बना के रखा था, उसे हम एक छन्नी से छान लेंगे। हम छान कर डाल रहे हैं, आप चाहे तो बिना छाने भी डाल सकते हैं। हमें बाद में डालने के लिए कड़ी पत्ता लगेगा, 4 से 5 हरी मिर्ची और हरा धनिया लगेगा। सबसे पहले हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। फिर जो हमने इमली का पल्प रखा था उसे भी छन्नी से छानकर इसमें ऐड कर लेंगे। 1/2 कप पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे और जो चावलों का घोल बनाकर रखा था वो भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो हरी मिर्ची और हरा धनिया रखा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप उतना पानी ऐड कर लेंगे और फिर जो भिंडी रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद ये थोड़ी ठीक हो जाती है, तो हमने इसमें 1 कप पानी और ऐड किया है। टोटल हमें 2.5 कप पानी लगा है। तो इसे ढककर हम 5 मिनट
तक पकने देंगे। फिर देखिए अब हमारे कढ़ी पे अच्छे से ऑयल आ चुका है, तो आखिर में हम इसमें आधा टीस्पून उतना गरम मसाला डाल देंगे। तब ये हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब इसे इसमें हम आखिर में जो ऑयल रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब ये इसे हम सर्व कर लेंगे, एक बॉल में निकाल लेंगे। तो लीजिए ये हमारी हैदराबादी चावल और भिंडी की कढ़ी तैयार है। आप इसे ज़रूर घर में बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपकी चावल की कढ़ी कैसे बनी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।